ये बहुत इजी है समझने के लिए बहुत ही ल्यूसिड और लेमैन और सिंपल तरीके से इन्होंने सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बिगिनर्स के लिए एक मस्ट गो ऑप्शन है इन्होंने सारे स्कूल्स को कवर किया है राइट्स एंड ड्यूटीज जैसे कॉन्सेप्ट्स डील किए हैं ओनरशिप और पोजिशन को डील किया है और जब आप इस पूरी बुक को पढ़ लेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि वॉट इज ज्यूरिस और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है सो इफ यू आर स्टार्टिंग विद ज्यूरिस दिस इज अ मस्ट गो ऑप्शन चलिए अब आगे चलते हैं अपने दूसरी बुक की तरफ जो कि है बीएन एन मणि त्रिपाठी जी की बुक एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ परांजे पे अगर आप कोई दूसरी बुक भी पढ़ना चाहते हैं क्योंकि कुछ बच्चे एक से ज्यादा बुक्स रेफर करते हैं देन दिस इज अ गुड ऑप्शन इसकी क्वालिटीज क्या है ये भी कंसेप्ट क्लियरेंस करने में बहुत अच्छी है बेसिक लेवल से ही इन्होंने डील किया है सारे स्कूल्स को लेमैन तरीके से कवर करने की कोशिश की है और डिफरेंटली डील किया है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को और ओनरशिप और पोजीशन जैसे कॉन्सेप्ट्स के बीच में क्या डिफरेंस है उसको भी अच्छे से बताने की कोशिश की है तो अगर एज एन ऑल्टरनेटिव आप कोई बुक देख रहे हैं तो यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो कि है पी एस ए पिल्लई जी की बुक इन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च की और इतने वास जिडिस के कंसेप्ट को बहुत ही प्रिसाइज तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है आइए इनकी बुक की क्वालिटीज देख लेते हैं इन्होंने बेसिक जेडिस प्रोडेंशियल प्रिंसिपल्स को प्रिसाइज फॉर्म में प्रेजेंट किया है जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया साथ ही साथ डाइवर्स थ्योरीज ऑफ एंशियट और मॉडर्न जियोरिस्ट को भी कवर किया है प्रेसिडेंट्स को एग्जॉस्टिवली रिवाइज किया है और मॉडर्न कॉन्सेप्ट लाइक प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग को भी इन्होंने डील किया है तो इन केस आपको लगता है कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए या आपको इसकी रिक्वायरमेंट है then you can go for this अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो कि है महाजन जी की बुक मैं आपको इस बुक की क्वालिटीज बता देती हूँ ये भी एक रेफरेंस बुक है इन्होंने भी चीजों को बहुत प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है लैंग्वेज अगेन इन्होंने बहुत सिंपल यूज की है इन्होंने ज्योरोस्ट्रोडेंस और लीगल थ्योरी के कॉन्सेप्ट को थॉरली एक्सप्लेन किया है साथ साथ ही साथ, इंडेक्स और सजेस्टेड रीडिंग्स को सेपरेटली दिया है और क्रिटिकल एनालिसिस भी की है तो अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें आपके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकती हैं देन दिस बुक इज अ मस्ट गो ऑप्शन फॉर यू अब चलते हैं आगे ये बुक्स नहीं बेसिकली गाइड्स हैं जो मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ ये शॉर्ट नोट्स के लिए है या सेमेस्टर एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए है इसमें आपको रेगा सूर्या राव की ए के जैन की और सिंगल्स पब्लिकेशन की बुक मिल जाएगी तो अगर आपको जरूरत हो तो आप इन पब्लिकेशंस को रिफर कर सकते हैं अब आगे चलते हैं अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड हैं तो आप वहां के स्टडी मॉड्यूल को रिफर करिए वो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हर राउंड में और हर तरीके के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्प करेगा चाहे वो ज्यूडिशरी का एग्जाम हो क्लार्ट का एग्जाम हो एल एल एंट्रेंस हो यूजी लेवल पीजी लेवल हर तरीके से आपको हेल्प करने की कोशिश करेगा तो ये था मेरा वीडियो ज्यूडस प्रिडेंस की बुक्स के ऊपर अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए ऐसे और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए कोई भी डाउट है तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट